दिन के वक्त जलावतन हो ताकि वो तुझे देख सकें। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिस्कियाल नबी की किताब 12वां बाब 1 से 12वीं आयत तक। उन दिनों में मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, तू बागी घराने के बीच में रहता है। देखने के लिए उनकी आँखें तो हैं पर वो देखते नहीं, सुनने के लिए उनके कान तो हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो एक सरकश खानदान है। इसलिए ए इब्ने बशर, तू दिन के वक्त उनकी आँखों के सामने जलावतनी का सामान तैयार कर, तो उनकी आँखों के सामने अपने मकाम से दूसरे मकाम को जा, शायद के वो जान लें कि हम बागी घराना हैं। दिन के वक्त उनकी आँखों के सामने अपना सामान जलावतनी का सामान निकालने की मानित बाहर निकाल। फिर शाम को उनकी आँखों के सामने जिस तरह जलावतन रवाना होते हैं रवाना हो, उनकी आँखों के सामने दीवार में छेद कर और उसमें से सामान निकाल, उनकी आँखों के सामने उसे कंधे पर उठा और अंधेरे में रवाना हो, और अपना चेहरा ढांप ले ताकि तू ज़मीन को ना देख सके, क्योंकि मैंने तुझको इसराइल के घराने के लिए निशान ठहराया है। तो जैसे मुझे हुक्म दिया गया था मैंने वैसे ही किया। मैंने दिन के वक्त अपना सामान जलावतनी के सामान निकालने की मानिद निकाला और शाम को मैंने ज़ोर से दीवार में छेद किया। मैंने उसे अंधेरे में निकाला और उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठा लिया। और सुबह के वक्त मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, क्या इसराइल के घराने यानी उस सरकश खानदान ने तुझसे नहीं पूछा कि तू क्या करता है? उनसे कह दे कि मालिक खुदावन यूं फरमाता है कि यरूशलम के रईस और इसराइल के तमाम घराने के लिए जो उसमें हैं ये बारे नबूवत है। कह दे कि मैं तुम्हारे लिए एक निशान हूँ, जिस तरह मैंने किया उसी तरह उनसे किया जाएगा। वो जलावतनी और असीरी में जाएंगे, जो रईस उनके दरमियान है वो अंधेरे में अपने कंधे पर सामान उठाएगा और रवाना होगा, और बाहर निकलने के लिए दीवार में छेद किया जाएगा, और वो अपना मुंह ढांपे हुए होगा ताकि ज़मीन को अपनी आँखों से ना देखे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।